राम भक्त हनुमान की प्रतिमा का कोई सानी नहीं है, उनकी शक्ति का कोई पैमाना नहीं है। दुख और मुसीबत की घड़ी में महाबली हनुमान का ध्यान कर समस्या का समाधान कर सकता है। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा उपासना करने का विधान है। गुरुवार को हनुमान जयंती पर बैठमा नगर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। हनुमान जन्मोत्सव पर संकट मोचन मारुति मंदिर, राजबाड़ा चौक स्थित हनुमान मठ, उदयवीर हनुमान, खेड़ापति हनुमान सहित नगर व क्षेत्र के सभी हनुमान मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया और सवारा गया, जहां भक्तों का तांता लगा रहा। हनुमान जयंती का त्यौहार हिंदू भगवान श्री हनुमान के सम्मान में मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा पर भगवान राम की सेवा के उद्देश्य से भगवान शंकर के 11वें रुद्र ने अंजना के घर हनुमान के रूप में जन्म लिया था, इसलिए यह त्यौहार को वानरों के देव भगवान श्री हनुमान के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदुओं का विशेष त्यौहार है तथा इस त्यौहार को पूरे भारत में मनाया जाता है। भगवान श्री हनुमान के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जी को भगवान वरुण के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर बैठमा नगर के अति प्राचीन व प्रसिद्ध बदीपुरा बालाजी मंदिर पर हर वर्ष होने वाले नगर के सबसे बड़े भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने महाप्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर नगर के सभी हनुमान मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया था, जहां हनुमान जी को 56 भोग लगाकर महाप्रसादी का आयोजन किया। शाम 5 बजे महाआरती के बाद शुरू हुए भंडारे में 10,000 से ज्यादा लोगों ने महाप्रसादी ग्रहण की। भंडारा देर रात तक चलता रहा। बैठमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। नमो नमः। आज चैत्र सुदी पूर्णिमा शुभ विक्रम संवत 2080 का बाबा के दरबार में श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह उत्सव विगत कई वर्षों से भक्तों के द्वारा बड़ी धूमधाम से बाबा के दरबार में मनता है। पूरे नगर के आसपास के क्षेत्र की सभी जनता यहाँ आती है, तन मन धन से अपनी सेवा देती है यहाँ पर। और मैं बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, सभी प्राणी स्वस्थ रहे, पुण्य कार्य में, धर्म कार्य में, राष्ट्र कार्य में, गौ माता की सेवा में व्यस्त रहे। जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।